नमस्कार मित्रों, मैं बद्री विशाल चारण, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा। आज के इस वीडियो या ई लेक्चर में हम विश्व इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, जिसके प्रथम भाग का अध्ययन हमने अपने पिछले वाले लेक्चर में किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसके द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में हमने देखा कि किस प्रकार इंग्लैंड ने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाया, वहाँ पर स्वतंत्र 13 राज्यों की स्थापना की, उनका प्रशासन चलाया। आरंभ में उनका नियंत्रण बिल्कुल कम व नाम मात्र का था, किंतु धीरे धीरे वाणिज्यवाद की नीतियों से प्रभावित होकर व ग्रीनविले व टाउनशेड द्वारा लगाए गए कर व्यवस्था से प्रभावित होकर यह नियंत्रण कठोर होता गया, जिसका स्वतंत्रता की आदत पड़ चुकी ऐसे अमेरिकी लोगों ने विरोध किया व उन्होंने नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा दिया। आज इसी क्रम में हम इसी सीरीज का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे या उसका अध्ययन करेंगे, टाउनशेड करों के विरुद्ध। मैसाचुसेट्स में कुछ ज़्यादा ही उग्र थे। 16 दिसंबर 1773 की रात्रि में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ उपनिवेशवादी कूलियों के भेष में मैसाचुसेट्स के बोस्टन बंदरगाह पर खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों पर चढ़ गए तथा चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। शाही जहाज गास्बी को जलाने के बाद यह दूसरी सर्वाधिक उत्तेजित घटना थी। इस घटना ने इंग्लैंड व उपनिवेशों को संघर्ष के बिंदु पर ला खड़ा किया। सम्राट जॉर्ज तृतीय तथा प्रधानमंत्री लॉर्ड लॉर्ड ने इस चुनौती के रूप में लिया तथा दमनकारी कदम उठाए। यह निर्णय लिया गया कि केवल बोस्टन को ही नहीं पूरे मैसाचुसेट्स को सजा दी जाए। इसके लिए ब्रिटिश संसद ने 5 अधिनियम पारित किया, जिसके अनुसार बोस्टन के बंदरगाह को तब तक के लिए बंद कर दिया गया जब तक कि नष्ट चाय की क्षतिपूर्ति न हो जाए, अर्थात बोस्टन का आर्थिक विनाश करना। मैसाचुसेट्स को स्थानीय प्रशासन को भंग कर दिया गया। हत्या संबंधी विवाद इंग्लैंड तथा अन्य उपनिवेशों को स्थानांतरित। चौथा, मैसाचुसेट्स से सेना रखना वैध घोषित एवं सैनिकों को आवश्यक व्यवस्था का भार स्थानीय अधिकारियों पर सौंप दिया गया। कनाडा के कैथोलिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का आश्वासन। क्यूबेक की सीमा ओरियो नदी तक बढ़ा दी गई। इन दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए सभी उपनिवेशों ने मैसाचुसेट्स का साथ दिया। 5 सितंबर 1774 को जॉर्जिया के अलावा सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों का प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन फिलाडेल्फिया में हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय प्रतिनिधियों ने आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करके जॉर्ज तृतीय के पास निवेदन भेजा गया कि 1765 के बाद उपनिवेशों के बारे में बने समस्त कानूनों को रद्द कर दिया जाए। साथ ही धमकी के रूप में अंग्रेजी सामान के बहिष्कार का निर्णय भी लिया गया, किंतु जॉर्ज तृतीय ने निवेदन को अस्वीकार कर अदूरदर्शिता का परिचय दिया। मैसाचुसेट्स में गंभीर होती परिस्थिति में 19 अप्रैल 1775 को लैक्सिंगटन में अंग्रेजी सैनिकों तथा उपनिवेशवादियों के बीच झड़प हुई, जिसमें 8 स्वयंसेवक मारे गए। कॉनकॉर्ड से लौटती अंग्रेजी सेना को बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों से टक्कर लेनी पड़ी। 19 अप्रैल 1775 को लैक्सिंगटन घटना को अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात माना जाता है। अगस्त 1775 को लैक्सिंगटन घटना के अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात माना जाता है। 1775 में जॉर्ज तृतीय ने उपनिवेशों को विद्रोही घोषित कर दिया। इसी रक्तरंजित माहौल में 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता बोस्टन के एक धनी व्यापारी एवं कुख्यात तस्कर जॉन हैनकॉक ने की। इसमें शामिल होने वाले प्रमुख व्यक्ति थे टॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉर्ज वॉशिंगटन आदि व्यक्तियों ने सक्रिय रूप से इसमें भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर गए। कांग्रेस ने इसी अधिवेशन में जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिकी सेनाओं का प्रमुख नियुक्त किया। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया
कि दास्तां में जीने से बेहतर है स्वतंत्रता के लिए प्राण दे देना। जून 1776 तक शाही सेना का पक्ष अत्यधिक मजबूत रहा। अब उपनिवेशवादियों की विदेशी सहायता की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए इंग्लैंड से संबंध विच्छेद करना आवश्यक था। इसीलिए 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में आयोजित अधिवेशन में उपनिवेशवादियों ने स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए इंग्लैंड से संबंध विच्छेद कर लिए। स्वतंत्रता की घोषणा पत्र को थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकली, रोजर शर्मन, रॉबर्ट लिविंगस्टन ने समिति ने तैयार किया। घोषणा पत्र में दृढ़तापूर्वक यह घोषित किया गया कि ईश्वर के सभी मनुष्य को समान बनाया है। ईश्वर ने केवल अंग्रेजों को ही नहीं समस्त व्यक्तियों को कुछ अहस्तांतरित अधिकार जैसे जीवन, स्वतंत्रता, सुख के लिए प्रयास आदि सम्मिलित प्रदत्त किया। वह स्वतंत्रता के निवासी है। 1776 में बंकर हिल की लड़ाई में शाही सेना ने जॉर्ज वाशिंगटन को पराजय दी और फिलाडेल्फिया का अधिकार कर लिया, किंतु 1777 में सारगोटा नामक स्थान पर जॉर्ज वाशिंगटन ने अंग्रेजी सेना को घेर कर परास्त कर दिया। यह उपनिवेशवादियों की प्रथम महान विजय थी और स्वतंत्रता संग्राम की दिशा बदलने वाला महान बिंदु था। फ्रांस सर्वशीत की पराजय का बदला लेने के लिए व्यग्र था और 1776 से इन घटनाओं को निकटता से देख रहा था। अब उसे सारगोटा विजय के बाद उपनिवेशवादियों के सक्रिय समर्थन में आने का निर्णय कर लिया। अतः 1778 में वह युद्ध में कूद पड़ा। 1779 में स्पेन, जो कि इंग्लैंड से जिब्राल्टर पुनः पाने का इच्छुक था, तथा 1780 में हॉलैंड भी उपनिवेशवादियों के पक्ष में युद्ध में सम्मिलित हो गए। अब युद्ध का नक्शा ही बदल दिया। नौसेना युद्ध में स्पेन, हॉलैंड और फ्रांस ने उपनिवेशवादियों की कमजोरी की सफलतापूर्वक भरपाई की। कठिन संघर्ष के बाद 19 अक्टूबर 1781 को जॉर्ज वाशिंगटन की सेना में यॉर्कटाउन में अंग्रेजी सेना को आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया। अभी नौसैनिक युद्ध चल ही रहा था, किंतु यॉर्कटाउन में समर्पण ने स्वतंत्रता संग्राम को निर्णय कर दिया। सितंबर 1783 में पेरिस की संधि से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई। संधि के द्वारा इंग्लैंड ने अमेरिकी उपनिवेश को स्वतंत्र का स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हमने अपने दोनों ही लेक्चर में घटनाओं का एक मोटा मोटा ब्यौरा देखा। हमने देखा कि किस प्रकार से वाणिज्यवादी नीतियों के चलते अमेरिका को उपनिवेश में तब्दील किया गया, किस प्रकार से वहाँ 13 राज्यों की स्थापना की गई, उनका प्रशासन चलाया गया। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद जो 1756 से 63 के में चला, ग्रीनविले व उसके बाद टाउनशेड को लगा कि जितना हम उपनिवेशों से कमाते हैं उससे ज़्यादा उन पर खर्च होता, अतः उन पर वाणिज्यिक नियंत्रण को कठोर करने का निश्चय किया गया। यद्यपि कानून तो कहीं भी पहले बनाए गए थे, किंतु उन्हें कभी कठोरता से लागू नहीं किया गया था। टाउनशेड की कर योजना, जिसमें 4 वस्तु, चाय, शीशा आदि पर कर लगाया गया था, जनता ने विरोध कर दिया। पहली बार विश्व इतिहास में नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन का नारा दिया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध एक वैधानिक स्वतंत्रता संग्राम चलाने का निर्णय दिया गया, जिसमें क्रमशः 2 महाद्वीपीय कांग्रेसों का आयोजन किया गया। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में जहां ब्रिटिश सेना साज सज्जा से पूर्णतः सजी हुई थी, उसके पास युद्ध के तमाम हथियार, तमाम रणनीतियां, लोगों का व्यापक समर्थन और अकूत धन संपदा थी, वहीं अमेरिकी उपनिवेशों के पास यद्यपि नया नया पैसा भी था, किंतु उनके पास संगठन व नेतृत्व नहीं था, जिसकी कमी जेफरसन, एंडरसन, वॉशिंगटन आदि लोगों ने पूरी की। अमेरिका को द्वारा कई छोटी छोटी लड़ाइयों में लड़ाने के बाद अंततः 1781 में जॉर्ज वॉशिंगटन की सेना ने कॉर्नवालिस को यॉर्कटाउन में समर्पण करवा के इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति की। वह 1713 की पेरिस की संधि ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को समाप्त किया। संधि के द्वारा अमेरिका के एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना हुई, जिसमें उसका एक संविधान बनाया गया। वह एक संवैधानिक लोकतंत्र की विश्व में प्रथम बार की स्थापना की गई। अगले लेक्चर्स में हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का महत्व, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का बौद्धिक पक्ष, अंग्रेजों की असफलता के कारण आदि का विवेचन करेंगे। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जहां आधुनिक समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व के फ्रांसीसी क्रांति से अनुप्राणित नवीन मूल्यों को परिलक्षित करता था, वहीं वैश्विक घटनाक्रम में
इसने विश्व को एक नई दृष्टि दी जिसमें संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना एक महत्वपूर्ण था। धन्यवाद। इसी सीरीज का अगला लेक्चर हम थोड़ी देर बाद करेंगे। धन्यवाद।